नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो सुप्रसादं एसो पंच नमकारो सब पाप पड़ासनो मंगलानं च सब्बे शिवं भवये मंगलम्। कल्याण पाद पारामं सुत गंगा हिमाचलम विश्वांभोज रविन्देवं वंदे श्री ज्ञातनंदनं। कमटे दरणेन्द्रे च सोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रियेस्तु। श्रीमते वीरनाथाय सनातायाद्भुत श्रिया महानंद सरोराज मरालाय नमः। कृता परा देवी जने कृपा मंतर तारयो ईषद बाष्पार्त्रयोर्पत्रम् श्री वीर जिनन्दे। अज्ञान तिमिरान्तानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। अनंत करुणा के सागर जिन्होंने चार घाती कर्म का क्षय करके भव्य जीवों को उपदेश देने के लिए पृथ्वी तल के ऊपर विहरमान ऐसे विस्तीर्थंकर परमात्माओं को कोटि कोटि वंदना। जिन्होंने अष्ट कर्म का क्षय किया है, जिन्होंने अपने कर्म को संपूर्ण जला दिया है, जिन्होंने अपना शुद्ध स्वरूप प्रकट कर लिया है, ऐसे अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों की आत्माओं को कोटि कोटि वंदना। परमात्मा के शासन को 2600 साल तक निरंतर यहाँ तक लाने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है, जिन्होंने पंचाचार का स्वयं पालन किया और पंचाचार का उपदेश दिया, ऐसे 36 गुणों से युक्त समस्त आचार्य भगवंतों को कोटि कोटि वंदना। शास्त्रों की निपुण मति के द्वारा जिन्होंने अध्यापन का काम किया है, जिन्होंने जिन शासन रूपी बगिया को हरा भरा रखने का काम किया है, ऐसे उपाध्याय जी भगवंतों को कोटि कोटि वंदना। जिन्होंने पंच महाव्रत धारण करके साधना के क्षेत्र में डुबकी लगाई है, जिन्होंने एकमात्र जिनों का एकमात्र लक्ष्य है परम गति, राग द्वेष की परिणति अपने जीवन में नहीं हो, ऐसे उच्च अवस्था को पाप प्राप्त करने वाले गुरु भवन की आज्ञा में रहकर जिन आज्ञा का पालन करने वाले समस्त साधु भगवंतों को कोटि कोटि वंदना। सात सात दिनों के प्रवचन के माध्यम से परमात्मा की वीरवाणी को पीकर अपने जीवन में यथासंभव यथाशक्ति जीवन में परिवर्तन की राह देखने वाले करने वाले जिनके अंदर परमात्मा की वाणी को पिपासा है, ये पिपासा को ध्यान में रखकर जिन्होंने अपना शुद्ध स्वरूप प्रकट करने का संकल्प किया है, ऐसे पवित्रतम जो आत्मा यहाँ पे उपस्थित है, ऐसे साधर्मिक बंधुओं को सत सत प्रणाम करके आज का प्रवचन प्रारंभ करने जा रहे हैं। अंतिम प्रवचन सायंकालीन कल की आखिरी सबके एग्जाम
रोज बात करते थे जिनकी एग्जाम के लिए, सात दिन के माध्यम से जीवन में जो कुछ पाया, सुनने के माध्यम के द्वारा हमारा कुछ न कुछ अंश तक मोह कुछ न कुछ दूर हुआ होगा, दूर नहीं हुआ होगा तो ये तो संकल्प है, ये मोहनीय कर्म है, हमको ये मार मार पीड़ा देता है। इतनी स्पष्ट समझण एक कल्प सूत्र के माध्यम से हमने कुछ समझी होगी। भगवान महावीर का जीवन चक्र जब चलता है तब तब लगते हैं कि भगवान ने पूर्व भव में मोहनीय कर्म का उदय के कारण उनके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां आई कि उन्होंने सन्मार्ग छोड़कर उल्टा मार्ग पकड़ा कि जिनके कारण परिभ्रमण बढ़ा। परिभ्रमण बढ़ने का कारण एक ही है, स्वमति। शास्त्र मति जब होती है तो व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई परिवर्तन अवश्य आता ही है। मैं और आप इसलिए संकल्प कर रहे हैं कि जीवन में ये आठ दिन के माध्यम से कहीं न कहीं कथा चरित्र जब सुनते हैं तो कथा चरित्र के माध्यम से जीवन को ऐसे टकोर अरे सावधान करता है कि हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आना चाहिए। कोई व्यक्ति गलती करता है तो उनको देखकर हम उस रास्ते से चलने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमने उनको देखा है। ये मार्ग पकड़ने वाले की ऐसी गति हुई, अगर मैं वही मार्ग पकड़ूंगा तो मेरे जीवन में भी ऐसा हो सकता है, इसलिए सावधान रहकर हम अपनी गाड़ी को चला रहे हैं। आज अपने पास 12 घंटे से पहले जितना समय बचा है उसके पहले रात्रि को सोते वक्त इतने भावों से भरना है, इतने भावों से भर के देना है। प्रभु, दुनिया में हजारों लोगों की तादाद में मनुष्य के जीव है, लेकिन मैं उसमें सौभाग्यशाली हूं कि मुझे लॉटरी लगी और तुम्हारे शासन मुझे मिला। कल हमने नाचा कूदा एंजॉय किया, महसूस हुआ कि मेरे परमात्मा का जन्म हुआ, ये अनुभव हुआ। वांछन की प्रक्रिया आनंद कितना। पहले के जमाने में एक तार आता था, मैं उसमें लगता था, 5 दिन के बाद तार आता था कि अपने घर में पोता जन्मा है, आप क्या करते थे। ऐसे ही 2600 साल पहले का जन्म का लिखा हुआ जो चीज थी यहाँ पे आया, हमने एंजॉय किया। मेरे परमात्मा, मेरे परम उपकारी जिन्होंने ये सत्य रास्ता बताया कि जिनके ऊपर मैं चलने की कोशिश करूं। परमात्मा जन्म के बाद तो कई जीवन में आया, लेकिन सुबह उठते ही अपने जीवन में सुबह से शुभ भावों से भर दो। कल क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हो सकता है। सुबह उठकर जब आप निरीक्षण करोगे तब पता चलेगा, सबसे पहला तो अपने जीवन शरीर में रोग है। कौन सा रोग पता आपको? अंदर पड़ा हुआ रोग एक पड़ा हुआ है, रोग को निरीक्षण करना पड़ेगा। रोग को रोग तरीके जानोगे तो डॉक्टर के पास जाओगे। रोगी नहीं स्वीकार करोगे, यहाँ पे ठीक है, जहां पे है वहां पे आगे से चली आइए, मुझे भी चलना है, अगर वो संकल्प है तो हम चल नहीं पाएंगे। लेकिन जब सुनते हैं तब पता चलता है, भावों से इतना भर दो। ये भावो अध्यवसाय का खेल है, सिर्फ खेल है, इसलिए भिन्न भिन्न प्रक्रिया से हम गुजरते हैं। उठे, नासिका का स्वर देखे, उठने तो आता है ना आपको, कैसे उठते हो। सातजगी जी नाम का ग्रंथ की मैंने बार बार आपके सामने प्रस्तुत किया है। कौन सा ग्रंथ? सातजगी नाम का ग्रंथ। श्रावक को कैसे जीना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कितने बजे घर पे आना चाहिए, कितने बजे श्रवण करना चाहिए, कैसी पूजा करनी चाहिए, उस समय क्या भावना भानी चाहिए, आप अतिथि को कैसे देखोगे, साधु को कैसे लेने के लिए जाओगे, सब बातें कौन से ग्रंथ में आई है? सात्व विधि नाम के ग्रंथ। याद रह जाएगा आपको।
और श्राद्ध विधि ग्रंथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। किसी के किसी पल्लवी भी है वहां पे पूछोगे तो कहीं मिल जाएगा, ऑनलाइन लेकर दे देगा मेरे ख्याल से, अभी तो मिलता है। समझ में आई बात? श्राद्ध विधि को ग्रंथ पढ़ना चालू करो आप, थोड़ी बोलू थोड़ा कम मिलेगा बराबर। ओके बराबर, चलो उठते वक्त व्यक्ति जब देखता है आंखों भरी हुई होती है, श्रावक तू उठे प्रभात चार घड़ी रे पाछली रा, चार घड़ी એટલે લગભગ કરીબન પોણા બે થી બે કલાક પહેલા આપણે ઉઠવું જોઈએ। કેટલા કલાક પહેલા? કેમ નહીં ગમી તો બોલો ના, પોણા બે કલાક ઉઠવાની વાત આવી બધા બોલે। ઉઠ્યા પછી व्यक्ति पोते चिंतन करना चालू करे, मैं कौन? आप पूछोगे क्या काम हो, मैं कौन? प्रश्न आज तक नहीं आया, लेकिन व्यक्ति को अपने अंदर पूछता है मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाने वाला हूं, कौन सी आज तिथि है, मुझे क्या पछखाण करना है, मुझे आज सुकृत्य क्या क्या करना है, मैं आत्मा के लिए क्या कर सकता हूं, ये चिंतन कब होता है? अभी लगभग प्राय करके ये होता है, ईमानदारी से आप बता रहा हूँ मुझे और आपके लिए। आदमी पहला उठ के क्या करता है? मोबाइल देखता है। अच्छा बराबर। ये उठने के बाद, उसके बाद जब नींद गहरी नहीं होती है तो आप नाक को बंद करता है, श्वास की प्रक्रिया को दबाता है, नींद खुल जाती है। खुलने के बाद अपना जो स्वर जो चलता होता है वो स्वर को पकड़ता है। आपको पता है ये स्वर शास्त्र है अपने यहाँ? कौन सा शास्त्र है? स्वर शास्त्र से पता चल जाता है कि ऐसा हो सकता है। थोड़ी बात आज कर दूं, आपको पता चले कौन से ग्रंथ में आई है। मैं आपको सिर्फ स्वाद, क्योंकि ये ग्रंथ बहुत बड़ा है, ये बड़े ग्रंथ को मैं शॉर्टकट में तो कर नहीं सकता, लेकिन स्वाद चखाने वाली बातें मैंने ऐसी ऐसी छेड़ी है, शायद हो सकता है उसमें से 5-25 लोग भी वो ग्रंथ देखना चालू करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे पूर्वाचार्य कितने महान थे, जिन्होंने अपनी कितनी चिंता की है। खाने के लिए भोजन करते वक्त भी कौन सी नासिका चालू हो, रामदेव बाबा तो आज हुए। कार्योत्सर्ग कहो के विपस्या कहो के कुछ भी कहो, ये आज हुई। हमारे 2600 साल पहले श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर मैं आपको वो तो कह रहा हूं, गोयनका जी ने बहुत बड़ी विपस्या की व्यवस्था की, लेकिन उससे पहले भी अपने यहाँ पे व्यवस्था थी, मैं वो कहना चाहता हूँ आपको। इसलिए नाचने के आनंद आएगा, क्या परमात्मा का शासन, क्या परमात्मा के पूर्वाचार्यों ने ऐसी बात की है, ये विचार मन के अंदर घूमेगा। उठता व्यक्ति नासिका का पहला स्वर देखता है। अभी आप देखोगे तो आपको पता भी चलेगा कौन सी नासिका आपकी चल रही है। श्वास गहराई से लिए करिए आप, कोई समस्या नहीं, उसमें पैसा नहीं लगता, करिए देखिए आप, अनुभव तो करिए, आपको पता चलेगा कौन सी नासिका चल रही है आपकी। मेरी ये चल रही है, ये बंद है। अरे तो किसी की कोई लेफ्ट वाली चलती होगी, कोई राइट, कई लोगों के पता नहीं चलता। गहराई से श्वास लीजिए और धीरे से श्वास छोड़िए, आपको पता चलेगा। चला या राइट, कौन सा चला? राइट चल रही है, किसी की राइट चल रही है। अब देखिए आप कैसे करना चाहिए। पहले तो आपकी नासिका सिद्ध शिला को देखिए, क्या भगवान की व्यवस्था की है। ये अपने यहाँ पे सिद्ध शिला है ना, जो ऊपर 24 भगवान है, परमात्मा को याद करिए आप, बराबर। अरे सुबह उठकर कितने नमकार गिनने चाहिए? 3। ये तो 8 कह रहे कितने? 7 के 8। हाजी सोने पे 7। 7 भयों को दूर करने के लिए, 7 प्रकार के भय होते हैं, 7 भयों को दूर करने के लिए 7 नौकर, अरे उठते वक्त 8 कर्म को नाश करने के लिए 8 होता है, याद। उसके बाद नासिका देखिए, अपनी जो नासिका चलती है वही नासिका वाला पांव
पहले ये देखिए, अनुभव करिए, जैसे ये नासिका आई तो ये आप देखिए, अनुभव करिए, वही हाथ को पुनः देखिए एक बार, देखने के बाद ऐसा घुमाइए, घुमाने के बाद वही वाला पांव जमीन को छुए, आप थोड़ी कुंडार में जाता हूं, आप देखिए क्या चमत्कार होता है, आप थोड़ा सा देखो से, कई बातें रह गई है, कई बातें करनी थी, समय भी कम पड़ा, मैं कई पटारा लेकर आया था, मैं सोचता था मैं खोलू खोलू खोलू, यूं करते करते 7 दिन तो पूरा हो गया, अने कल तो जा, कल अपना प्रतिक्रमण है, कल शस्त्र लेकर बैठना है, युद्ध करेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। नासिका का स्वर वाला पहला पांव को नीचे रखना चाहिए, इसमें भी ऐसा आया हुआ है, सुधी पक्ष ने वधि पक्ष, तुमने ये तो खबर से पास, सुधी पक्ष ने वधि पक्ष, सुधी एटले चंद्रमा जीमा उगतो होए, एने सुधी पक्ष कहवाए, जेमा घेरे घेरे करते 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 अंधेरा हो जाए, उनको क्या बोलते हैं, वधि पक्ष, ये तो आपको पता है। अब चलिए, अब सुधी पक्ष, ये लेफ्ट वाला जो पांव है, ये सुधी पक्ष से काम चालू होता है, ध्यान से आप सुनना, प्रश्न गड़बड़ नहीं हो जाए, मैं धीरे से इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको आराम से समझ में आ जाए। सुधी पक्ष में गुजरातियों में और हिंदी भाषाओं में सुधी और वधि का अंतर होता है। हाँ ये, हाँ ये बात तो सही, लेकिन सुध में सुधी आएगा, वध में वधि आएगा, सुनिया, लेकिन फर्क ये आएगा। आज एक बहुत अच्छा दादा साहब ने प्रश्न उठाया, मैं आपको उसका समाधान करूं। आपको पता होगा गुजराती और राजस्थानी अथवा हिंदी भाषा, उसमें आप देखोगे अभी आपका चल रहा है भाद्रवा सुधी, बराबर भाद्रवा सुधी, बराबर कल है भाद्रवा सुधी चतुर्थी, चौथ गुजराती में भाद्रवा सुद चौथ कहवाए, अगर उनको पूछो तो भाद्रपद सुधी चतुर्थी ऐसे बोलेंगे, भाद्रपद भाद्रवणी भाद्रपद। अरे वध पक्ष आएंगे तो हम तो गुजराती लोग चलेंगे भाद्रवा में गए, लेकिन वो अश्विन आ जाएगा, कौन है, राजस्थान में आप जाओगे तो अश्विन आ जाएगा, हम सुधी पक्ष में साथ साथ में है, वधि पक्ष में वो आगे है, क्योंकि भाद्रवा के बाद कौन सा महीना आएगा, तो ये क्या बोलेंगे, आप तो बोलोगे भाद्रवधि भाद्रवाद, ये क्या बोलेंगे, अश्विन 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 वधि बोलेंगे, समझ में आया क्या फर्क आया, वध पक्ष में अलग सुधी पक्ष में एक, सुधी पक्ष में। अब आप पूछोगे कौन सी सत्य, तो एक आपको और बता दूं, आपको पता है बेलों को पता होगा पोष दशमी का मेला आता है, पोष दशमी का अठम आता है, कौन से महीने में, बोलिए पोष दशमी, अरे करिए कब, तो सत्य कौन, उस समय राजस्थान में माघ सर्वधि चलती है, जितने परमात्मा के कल्याणक हुए वो राजस्थान की तिथियों के अनुसार, ने मैंने आपको कल भी कहा था, हम ऑलरेडी कौन है, राजस्थान, दुनिया में जितनी तिथि देखी आप, सुधी पक्ष में कब परमात्मा का तीर्थन का जन्म जन्म कल्याण हो गया, तो कोई प्रश्न नहीं, ये इसलिए पाश्चात परमात्मा का जो जन्म कल्याण आता है बोलते हैं पोष वधि, होता है माक्षर महीना में, तो माक्षर महीना जो होता है वधि पक्ष में वो आगे हो जाते हैं, उसमें पोष वधि वहां चालू हो जाती है, हम बोलते हैं गुजराती लोग बोलते हैं माक्षर वधि बोलते हैं, तिथि समझ में आई बात, अब तो समझ में आ गई, अब आगे चाहिए कोई प्रश्न इसमें सुधी और वधि में। अब सुधी पक्ष होता है उसमें चांद निकलता है, दूज का हम चांद देखते हैं, अरे सबसे पहले प्रवचन में सुनो चंदा जी को याद किया, अब उसमें सुधी पक्ष में जब एकम द्विज और तीज, आपको पता ही नहीं होगा तो अभी संवत्सरी चल रहा है, संवत्सरी के 5 दिन के बाद कोई पूछेंगे तिथि कौन सी, तो पता नहीं, तारीख आपको पता होगी, तिथि अपनी कौन सी सही है, तिथि जो एकम द्विज और तीज उसमें ये नासिका चलनी चाहिए, कौन सी, लेफ्ट वाली, फिर से चंद्र इनको बोलते हैं, सुधी पक्ष इनको बोलते हैं, वधि पक्ष इनको बोलते हैं,
बात समझ में आई? सुदी पक्ष लेफ्ट वाली को, वधी पक्ष राइट वाली को। तो सुदी पक्ष जब चालू होता है, ये कहां लिखा हुआ पता आपको? साध्य विधि नाम के ग्रंथ में। आपको ऐसी ऐसी बात छोड़ के जा रहा हूं कि आप ढूंढोगे, ये भी मुझे पता है। अरे इसमें एक आपको फायदे वाली एक और बात बताता हूं। सुदी पक्ष में एकम दूध तीज ये नासिका चलनी चाहिए। अब आप पूछोगे नासिका कैसे चलाओ? आप ऐसे करवट लेकर सो जाओगे, आपकी ये नासिका चालू हो जाएगी। आप अनुभव कर रहा, आज ही रात्रि को सोते वक्त जो नासिका चलती हो उससे लेफ्ट उल्टा सो जाओ, आपकी दूसरी नासिका चालू हो जाएगी। 2 मिनट, ज्यादा 3 मिनट वो नासिका सामने वाली चालू हो जाएगी। करवट लेकर समझ गए ना? अगर ये चालू करी तो ऐसे सोना पड़ेगा, और ये लेनी हो तो ऐसा सोना पड़ेगा। तो एकम दूध तीज, चौथ पांचवी षष्ठी सातम आठम नौम दसम ग्यारह बारह तेरह चौदह से पूनम, ये पूनम तक यहाँ पहुंच गया। वापस याद रह गया आपको कि नहीं समझ में आई? अब आगे देखो, वधी पक्ष कैसे चार करना है? एकम दूध तीज, चौथ पांचम छठ सातम आठम नौम दसम ग्यारह बारह तेरह चौदह अमावास, लास्ट वाले ये दिन चलनी चाहिए। बोलो कल नासिका कौन सी चलनी चाहिए? अब बताइए। राइट वाली, ये 3 दिन तो ये चलनी चाहिए, अरे चौथे दिन ये। अब पानी पीना हो, सुनिए आप ध्यान से, मैं आपको कोई संसारिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने पूर्वाचार्य ने क्या बातें लिखी है, मुझे कभी कभी लगता है अपनी छोटी छोटी बातों की चिंता उन्होंने की है। हम तनाव से नहीं गुजरे, हमारा भाग्य कैसा बढ़े, हम श्रावक का जीवन कैसे तरह से पालन कर सके, अद्भुत बातें। मुझे ये विचार आता है क्या पर आचार्य भगवत ने अपने जीवन की क्या सारा अपना ज्ञान डाल दिया। कई बार हमको जानकारी नहीं होने के कारण हमको लगता है यार इसमें क्या सुस्त कवि से, सिर्फ आत्मा की तो चिंता तो की है, उसमें तो कोई दोहरा नहीं, क्योंकि जैन का लक्ष्य यही होता है। जहां जैन का लक्ष्य क्या, कोई पूछे ना आपको जैन क्या, मैंने क्या, तो क्या हम जमीन खाद नहीं खाते, रात्रि को नहीं खाते, उसका नाम जैन? हाँ जी पंडित जी, इस नासिका को चलाओ या उसको, उससे फर्क क्या? अबे आप उस प्रश्न, एक दिवस तमारू पृथ्वी तत्व शरीर अंदर पड़ेलो पृथ्वी तत्व आज जमीन साथ पृथ्वी तत्व साथ जॉइंट થાય છે આપણે છે તમે જો તમે હવે આ પૂજન તો આપણે અહીંયા બઢાવવાનું નહીં કે પૂજન જો બઢાવ્યું હોત અગર પઢાયા હોતા તો મેં આપકો શીખાતા હે આપ અહીંયા બોલતે શી પ ઓમ સ્વા હા ઉલટ આરોહણ અવરોહ કરતે પૃથ્વી પાણી અગ્નિ વાયુ ઓર આકાશ અપને યહાં સે કોઈ આપ પ્રશ્ન પૂછો ને ઉસમે જવાબ દેના હો અગર નાસિકા કા ધ્યાન કી પ્રક્રિયા ચલતી હો आपकी नासिका कहां तक इसकी आवाज आ रही है, उसमें कौन सा तत्व बह रहा है, कौन सा कलर है, उससे जवाब पता चल जाता है कि उनका जवाब, आपने जो प्रश्न पूछा है उनका जवाब हां में आएगा या ना में आएगा। अगर आप पृथ्वी तत्व पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा, अगर पृथ्वी तत्व से पहले जो चल रहे नासिका चल रही है उसका मतलब आपका जो बॉडी का जो भाग है, मैं साइंस तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन उस समय उसकी जो मजबूताई है वो पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ गई, इसलिए आपका पूरा दिन बहुत बेस्ट जाएगा। अनुभव करके देखना कल कौन सी राशि का चलाओगे? राइट वाली। राइट वाली देखो चौथ पांच चलो छठ 3 दिन चलना चाहिए, कंटिन्यू एक राशि का चले तो आप समझ लो कि अब अच्छा दिन नहीं आने वाला। ये भी करा दोनों राशि का चलती हो, सुनिए आप ध्यान से, अरे किससे बात करोगे ना आप, इतने सीधा प्रश्न पूछने जाओगे तो सामने टेढ़ा जवाब मिलेगा। कौन सी राशि का चलती हो तो ओके है, ओके दोनों राशि का चलती हो तो अद्भुत प्रक्रिया। मैं आपको बोल पूरा स्वस्थ शास्त्र है, इसके लिए तो कम दिन भी कम पड़े। खाने के लिए बताया कि भोजन करते वक्त जमीन राइट वाली नासिका चलनी चाहिए, अरे पानी पीना हो तो कौन सी नासिका में? लेफ्ट वाली नासिका। अभी आपने ये सुनने के बाद आपको क्या आनंद आया ये मुझे बताओ। अब आप दूसरी बात, मैंने ये बता दिया, अभी बहुत लंबा सात, लेकिन
आपको ये नहीं लगता कि हमारे आचार्य बहुत कितने विद्वान थे? ये बात सुनने के बाद उस आचार्य भगवंतों के प्रति नमन करने की इच्छा हो जाए, क्या अद्भुत बात। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, आज तक हमने भगवान महावीर को या भगवान के शास्त्र को के भगवान की वाणी को हमने अभी तक पहचाना ही नहीं। श्रावक उठता है, उस समय नासिका से पांव रखता है, अन्य व्यक्ति अपना कार्य सोच क्रिया आदि निपटाता है, उसके बाद प्रतिक्रमण आदि करता है, प्रतिक्रमण के बाद उनकी जो दर्शन करने के लिए जाने के लिए प्रक्रिया पूरी चलती है। ये किनकी बात मैंने की? श्रावक, श्रावक के लिए प्रक्रिया बताइए, पूरा दिनचर्या कैसे जीवन जीना, कहाँ मकान लेना, कैसे मकान लेना, कितनी खिड़कियां होनी चाहिए, ज्यादा के कम, आपकी हमारे और आपके मकान के अंदर कितनी खिड़कियां होनी चाहिए, ये किसने बताया? आपको नींद आ रही है? अच्छा अच्छा, एक साथ में दो काम नहीं करना, व्याख्यान में ध्यान देना, उसमें भगवान का भी नाम नहीं लेना, एक भगवान की वाणी और भगवान का नाम दोनों एक ही है। अच्छा नहीं नहीं, आपको समझ में आया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये भगवान की वाणी है, भगवान का ही नाम है, इस समय दो में जाओगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, समझ में आई? दोनों चल रही है, अभी किससे बात कर रहा है? मैं आपको इसलिए वो चीजें बता रहा हूँ कि आपको महसूस हो जाए कि क्या परमात्मा का शासन अद्भुत मिला है। अद्भुत शब्द तब निकालोगे जब गहराई में डूबोगे तब। कल की प्रक्रिया से करने से पहले आज की इतनी तैयारी होनी चाहिए, कल कोई ना कोई पछकार तो करोगे। हाँ जी, पछकार महत्व के प्रतिक्रमण महत्व, जोर से बोलो के समझ में नहीं, पछकार महत्व। भाई भरत भाई दोनों महत्व, आप क्या करोगे? उन्होंने ये कहा प्रतिक्रमण, फिर से कह रहा हूं, आज आपकी जो ग्रंथियां है गलत ग्रंथियां वो निकालने की कोशिश कर रहा हूं। पक्षकार बहुत बढ़िया करना ही चाहिए, कोई फर्क नहीं, लेकिन प्रतिक्रमण को बिगाड़ कर पक्षकार नहीं करें अच्छा है, कम करें, जो आपको शरीर को साता दे और प्रतिक्रमण बढ़िया करे, बेस्ट कौन सा बता आपको? नहीं समझ में नहीं आई बात आ गई? हमारी जो संस्कार है ना, वो आदत है, कौन सी? पचकार, उपवास कर लो, टाइम पसंद तो टीवी देख लो, रात्रि जाकर पाचन, टाइम भूख तो लगेगी, मोहन भाई रोज परेशान करेगा, नींद नहीं आ रही है, मम्मी कल क्या बनाओगी, पारना दिख तरी चिंता की थी, अधिकार में आएगा पारना दिख तरी चिंता की थी, पारना के विचार चालू हो जाएंगे, कई लोगों को समुद्र दिखाई देगा। हाँ होता है, बड़ी बात नहीं है, प्यास लगी हो तो क्या होगा, कौन सा दिखाई, व्यक्ति जैसे सोता है वैसे स्वप्न आते, वो स्वप्न आएगी। त्रिशला माता को जो स्वप्न आया उस समय बात की थी, व्यक्ति के अनुभव किया हुआ वो इस प्रकार का स्वप्न आता है। फिर से कह रहा हूं, चौबिया उपवास हो तो आपको सबसे पहले बंधन, लेकिन आपका प्रतिक्रमण खराब होता है तो तिव्यार उपवास करना, तिव्यार उपवास नहीं कर सो तो एकासन करना, एकासन करने के बाद आपका प्रतिक्रमण सबसे बढ़िया होना चाहिए। बात बैठी नहीं बैठी? बात कई सालों से, तो सर में 40 साल से कर रहा हूं, इसका तो मेरे पास भी उपाय नहीं, समझ गया? कोई आप कहोगे मैं 40 साल से कर रहा हूं तो उसका जवाब तो मेरे पास नहीं, पर लेकिन पछकार तो होना चाहिए, कुछ तो महसूस तो हो कि मैं आज परमात्मा के शासन में जन्मा हुआ, भगवान की इतने कष्ट आने के बाद इतने 12.5 साल तक घोर साधना की, मैं कुछ तो पछकान करूं। वो तो मोहन भाई तो मांगेंगे सुबह आपको, आप पूरा शरीर ये सिर दर्द चालू हो जाएगा, ये भी पता है, जो आदत होती है ना बेटी की, बेटी समझ गए ना, हाँ ये बेटी तो बहुत खराब है, पहले तो ये विचार आएगा, मोहन भाई कहेंगे यार तुम्हारी उम्र हो गई है तू चाय पी ले, ये भी कौन कहेगा? मोहन भाई, कल मोहन भाई आपको 10 बार आएंगे टकोरा देखकर, याद रखिया, मैं आज आपको पहले से उसको बोल देगा, नरेंद्र भाई को याद करें।
है जी, मुझे नहीं परमात्मा भगवान महावीर को याद करो, क्या परमात्मा ने कितना संसद दिया हुआ है, झुक जाना चाहिए मस्तक। तो पहले तो वहां से आपको परिवर्तन करने की चालू करेंगे कोशिश, कल ये भी तय कर लो उपवास नहीं उसको एकासना करूंगा नहीं, कम द्रव्य में करूंगा, दो तप हो जाएगा, कम द्रव्य, कम से कम द्रव्य यूज करूंगा, बहुत द्रव्य यूज करते हैं ये तय कर लो, लेकिन करना तो प्रतिक्रमण सबसे बढ़िया, अरे मैं समझ कर करूंगा। बात समझ में आ रही है, हम रोटली सेकते ने इच्छा का से बेस्ट संचाओ इच्छा करे बेस्ट ठाओ जा कर सजा संचाओ जा कर सजा करो, ये जो चलती है ना, देखो उम्र लायक व्यक्ति 80 साल की उम्र हो 50 साल की उम्र हो शरीर कमजोर हो तो उसके लिए तो कोई प्रश्न है ही नहीं, पर जिनकी कमर अच्छी चलती हो तोंद नहीं निकली हुई हो, अरे वो व्यक्ति तो खमा समझ देना चाहिए ना, अरे वो व्यक्ति ऐसे ऐसे कर ले इच्छा का संसार इच्छा का ठाव इच्छा का संसार, रोटली सेकने वाला काम होता है। मैं कई बार देखता हूँ, मुझे आज आज वक्तों में इसलिए बच्चों का जो सामयिक आपको दिखाई दी, उस समय छात्रों की नाकोड़ा के ज्ञानशाला के जो छात्र सामयिक कैसे करते है वो एक बार दिखाया था, आज थोड़ा सा टाइम मिल गया तो 5-7 मिनट आपको परमात्मा की पूजा कैसे करनी चाहिए उसकी थोड़ी सी क्लिप है 5-7 मिनट दिखाई दी। अब आप कल्पना करो कि भाव कहां से आएगा, पहले उसको खुद को पता नहीं मैं बेसी संदर्भ क्यों आज्ञा मांग रहा हूं, व्यक्ति का जब तक भाव नहीं आएगा आप कर रहे बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया बात, जितनी अनुमोदना की जाए इतनी कम, लेकिन परमात्मा प्रति तब तक राग नहीं प्रगटेगा जब तक आप गहराई में नहीं डूबोगे। अरे कल तो मोहनी कर्म आएगा, एक बात बताऊ आपको सबसे पहली चिंता कौन सी रहेगी, कब प्रतिक्रमण पूरा हो और मैं उससे मिलूं, बरोबर ये होता ही है साहब मन में होता है, सबके लिए मिछाई दुर्म या खमत खामना आपस में करते होंगे नहीं करते, करते तो पहले तो याद आना चाहिए मेरे इसके साथ क्या दुश्मनी हुई थी, क्या मेरे साथ बातों में कोई हो जाता है, उस समय मोहन भाई टक्कर मार दी आपको ऐसा कहा, याद रख मैं भी देखता हूं तुम्हारी मौका देखकर, वार करने का मौका लेता है व्यक्ति, तो आज क्षमापणा सबसे बड़ी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज, इतने सालों से की गई आराधना में कुछ प्राण नहीं आ जाए तो हमारी प्रतिक्रमण प्रक्रिया ऐसे ही चलेगी, आते जाएंगे वक्ता, मुझे भी सुधरना है ना आपको भी सुधरना है, पहले तो लगता है कि सुधरना है ऐसा तो लगना चाहिए ना, हमारे आत्मा के ऊपर रोग लगा है ऐसा महसूस होता है, जब रोग लगा हुआ है ऐसा जब महसूस होगा तब तो वितराग की वाणी का आदर करना ही पड़ेगा, जब तक रोगी महसूस नहीं है तब तक ये वाणी अच्छी नहीं लगती, याद रखिए फिर से कह रहा हूं, अशुभ क्रियाएं बहुत की, तीन शब्द दिया था दुचिंत्य दुभाष्य दुचिंत्य, आ त्रण शब्द याद रखो, मन से खराब चिंतन किया कितना पाप किया होगा, 24 घंटा बोझ तो रख सकते हो, आते हुए विचार को रोक नहीं सकते कुछ से कुछ कम से कम उसकी बोझ रख सकते, तो ये गंदा विचार आया ये अच्छा विचार आया, मैं तो आप लोगों को विनती करता हूं अगर जो आप मेरी बात मानोगे तो कहो मानोगे, मैं आपके पास ऐसा है ना, अपने यहाँ पे एक परंपरा है भारतीय परंपरा, अमेरिकन परंपरा है कि नहीं मुझे पता नहीं है, यहाँ पे एकलव्य पे गुरु दक्षिणा देता है, देता है, पैसा की बात नहीं कर रहा हूँ चिंता मत कर, गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, ऐसा कहा गया है एक अक्षर सिखाने वाला बंदा उसको 1000 वर्ष का देवलोक का आयुष्य का बंद होता है, आप मुझे गिफ्ट दो या न दो ऊपर वाला तो समझ में बात आई, एक अक्षर पढ़ाने वाले व्यक्ति को 1000 वर्ष का देवलोक का आयुष्य का बंद होता है, अगर इसमें अये का प्राण डाल के अगर कोई व्यक्ति स्व पर की आराधना करने के लिए जो स्वाध्याय करवाता है उसकी तो कर्म की विजरा की तो बात ही नहीं कर सकते आप, मैं चाहता हूं कि 7 दिनों में जो आपको भाव आया हुआ हो एक पत्र के रूप में लिखकर आप मुझे बताओ कि आपको क्या क्या भाव आया,
मैंने लंदन में प्रयोग करवाया था, मेरे पास इतने कागज आ गए, मैं कल्पना नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा था कि उसमें जिसमें चलती है आपकी राइटिंग, गुजराती में चलती हो तो गुजराती में, हिंदी में चलती हो तो हिंदी में, और इंग्लिश में चलती हो तो कहीं ना कहीं छुआ तो होगा, कहीं ना कहीं हो सकता है भाव नहीं भी आया हो, ये भी हो सकता है। कम से कम इकरार तो करेंगे ना, मुझे भी पता चलेगा ये बात उनको ज्यादा छूती है, कल दूसरी जगह प्रवचन करने जाऊंगा तो वो बात ऊपर मैं ज्यादा भार दूंगा। सेल्समैन ध्यान तो रखता है ना, सेल्समैन क्या करता है, मैं भी परमात्मा का सेल्समैन हूं, आज आप लोग ले रहे, कल दूसरी जगह वो माल दिखाऊंगा, लोगों को पसंद आ जाएगा, इतना तो विश्वास है। तीसरी बात, नाकुड़ा में तो बेच रही है, ऑलरेडी दुकान खुली हुई है अपने, लोग आते हैं ले जाते हैं, मैं यहाँ भी आया हूँ माल लेकर देकर जाऊंगा। नहीं, मुझे इतना विश्वास है कि आपकी बातें पढ़ते लिख लिखोगे, मेरी आंखों में से भी आंसू टपके, वाह क्या संग था। बात समझ में आ रही, आपको क्या फायदा, मुझे तो ये फायदा आपको समझ में आ गया। आपको 7 दिन के अंदर आए हुए शुभ अध्यवसाय को याद करने का मौका मिल जाएगा। बुरी चीजें लंबे समय याद रहती है, अच्छी चीज परमात्मा ये कहते हैं सुकृत जितने अनुमोदना करो, सुकार्य किया हुआ हो उसको बार बार रिपीटेशन करो, बार बार याद करो। परिश्रम कितने दिन याद करोगे, क्या कल ही परसों भूल जाओगे शाम को, समझ में नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूं। तैयारी रखिए, लोग तो बेचारे कहीं समझ नहीं होंगे, जिन्होंने प्रवचन सुना नहीं होगा उनको तो पता ही नहीं होगा, वो आज से पाप बांधना चालू कर दिया होगा, मम्मी कल तो नहीं खिलाएगी लेकिन परसों तो ले जाएगी, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं। खाना तो तब खाएंगे लेकिन कर्मबंध अभी से, इतना कर्मबंध मजबूत हो जाता है बिना खाए, बिना खाए बिना पेट में डाले हुए कितने चिकड़े कर्मबंध। ये इसके अलावा कोई भी धर्म की बात करो, किसी भी धर्म में ये बात नहीं आएगी आप। तो 7 दिन में आए हुए शुभ अध्यवसाय आपको याद करना है, पहला दिन, दूसरा दिन, दूसरे दिन में क्या प्रवचन आया था, कहां आंखें भिंजी थी, कहां पे मेरा दर्द निकला था बाहर, मैं घर पे जाकर मैं क्या सोचा था, मैं वो काम करते थे मुझे याद आया था, शब्द याद आए थे, मैं रुक गया था। ये जो बातें जो आपको याद आएगी, आपका स्वाध्याय हो जाएगा, अरे मुझे अनुबोधना करने का वक्त मिल जाएगा, उसमें से कोई एकाध जीव ऐसा मिल जाए, अरे मुझे भी छू जाएगा, आ हा हा, मैं दूसरी जगह जाकर कहूंगा एक बंदा ऐसा मिला था उसकी आंख में तो उसने पत्र लिखा था। समझ में बात आई, हम गलती करते हैं ऐसे, स्वाध्याय इसको ही कहते हैं कि हम गलती करते हैं, यहां से जाते इतने मस्ती में चले जाते हैं पता ही नहीं चलता कि हमको क्या जाकर बाहर जाकर क्या करना चाहिए। कल की तैयारी ऐसी मजबूत करके रखो, हो सके तो कम से कम कल का दिन मौन रखो, हो सकता है नहीं हो सकता बोलो तो सही, अजी हो सकता है अभी से मौन, अजी अभी से मौन, हाँ बहुत बढ़िया, मैं बोला हूं तो आपको बोलना है, मैं चत्तारी मंगलम बोला तो आप ऐसा मत कहना कि आपने मना किया था, धर्म की बात करने के लिए स्वाध्याय के लिए छूटे, लेकिन संसार की एक बात भी नहीं करूंगा, किसी को आसन के लिए लेना है बात करिए कोई समस्या नहीं, लेकिन संसार की एक बात नहीं करूंगा, कल का दिन मोबाइल नहीं देखूंगा, कहो सही एक बात, हाँ तुम्हें शासन के लिए समाज के लिए कोई व्यवस्था के लिए बात करें कोई समस्या नहीं, लेकिन कोई बात है तो आप बोल दो उसको, आज मैं बात नहीं करूंगा इससे, ये एक भी बात नहीं करूंगा, मिच्छा दुकान का कल व्हाट्सएप घुमाने से कोई फायदा नहीं है, वास्तव में तो फोन करके कहना चाहिए, आंख में अश्रुधारा आनी चाहिए, ये तो आपने मुझे भेजा मैंने उनको भेज दिया हो गया खत्म, मिच्छा दुकान अपना हो गया। यहाँ पे कुंभार का दृष्टांत दिया गया है, कुंभार का हर बार सुनते हो ना, क्या आता है कुंभार का दर्शन, वो मटका, वो कोई साधु भवन जाते हैं, अरे साधु भवन जाते हैं तो साधु भवन ने देखा छोटे बच्चे थे बाल मुनि थे कुंभार के घर में ठहरे हुए थे, कुंभार बोला बाल मुनि महाराज ने छोटी सी कंकरीली ने मटका फोड़ दिया, कुंभार आया, कुंभार था परमात्मा का भक्त, उन्होंने कहा मिच्छामि दुक्कड़म, आप कहते सॉरी, ये तो है ना मिच्छामि दुक्कड़म का अर्थ अलग है, कल मैं बताऊंगा आज नहीं, कल कल का रखना पड़ेगा ना,
त्रण तीन शब्द है, दो शब्द नहीं है, कितने शब्द है? तीन। मिच्छा में दुप्लम में कितने शब्द है अंदर? तीन शब्द है। तो कुमार उनके मटके फोड़ दे रहे, बार बार मटके फोड़ते जा रहे, बाल मुनि महाराज उनको मिच्छा में दुप्लम देते जा रहे। अगर कुम्हार ने विचारा है अब तो कुछ जवाब देना चाहिए, कितने मटके फूट गए? उन्होंने छोटी कांकरी कंकरी ली और कान के पास जोर से दबाई, बाल मुनि जो छोटे थे उसने जैसा देखा तो उन्होंने कहा मिच्छा में दुप्लम। समझ में बात आई? एक बार किया, दो बार किया, तीसरी बार किया, वो समझ गए हमारा मिच्छा में दुप्लम वो नहीं होना चाहिए। हमने किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, इसमें संघ का किसी का अनादर किया है, उम्र की मर्यादा नहीं रखी हुई है, छोटे की व्यवस्था ध्यान नहीं रखा हुआ है, तपस्वी वालों को अनादर किया है, हम ऐसी जगह पे बैठेंगे जिसके कारण सबकी परेशानी हो, हमारे कारण काम व्याख्यान में डिस्टर्ब हुआ हो, परमात्मा की पूजा करते वक्त कोई गलती हुई हो, ये कल याद करना है। उससे पहले उनके पास जाकर कहना चाहिए, छह महीने पहले आपके साथ मेरा एक कोई वाक्य निकल गया था और आपको गुस्सा आ गया था, मैं आज के आज आपके पास क्षमा याचना मांगता हूं। तो हमारी इच्छा है कल प्रतिक्रमण तो ठीक करना है कि नहीं, शताब्दी चलाओगे लोकल? प्रश्न में इसलिए पूछ रहा हूं, सोच समझ कर कौन सा बोला आपको? तो पहले अमेरिका में रहते तो फास्ट ट्रेवल है, शताब्दी भी नहीं चाहिए, नहीं लोकल है, नहीं सीधे उनके फ्लाइट। आप समझ रहे हैं मैं क्या प्रश्न पूछ रहा हूं आपको? शताब्दी चाहिए लोकल चाहिए? क्यों बोलते नहीं है? लोकल चाहिए, कोई नहीं कहेगा। मेरे क्या चाहिए? लोकल। हाँ, एक बार किसी के पास सेविंग करने गया, ये कहीं शब्द सुना होगा, आप थोड़ा हल्के मूड में कर रहा हूं इसलिए। तो उन्होंने सेविंग करने डायरी करने के लिए जब गया तो उन्होंने कहा सेविंग करनी है, तो उन्होंने पूछा, हजार ने पूछा, आपको शताब्दी चाहिए के लोकल चाहिए? चलो मेरा जवाब नहीं, वो हजार का आप क्या जवाब दोगे? बोलो तो सही, अब तो बोले प्रतिक्रमण की बात करते डर जाओगे, समस्या आई नहीं, गुरु जी ऊपर से बोलेंगे समस्या खड़ी कर देंगे, इसमें जवाब देने में कोई दिक्कत तो नहीं ना? बोलिए आप कौन सी करोगे? शताब्दी ना, उसने शताब्दी चालू कर दी, हाथ घुमाया, पांच दस बाल रह गए। तो उन्होंने पूछा ये बाल क्यों रहे? तो के लोकल स्टेशन पे गाड़ी खड़ी नहीं रहती। समझ गए आप? अब थोड़ा हल्के मूड में आप आ गए, थोड़ा सा सुस्त हो गए थे। ये शताब्दी और लोकल एक एक पदार्थ को चिंतन करेंगे, जो वही अय्या करते वक्त अयमुता को केवल ज्ञान हुआ था। कौन सा सूत्र कितनी बार बोले अभी अपने जीवन में? एक बार भी आंसू आए कल्पना करिए आप, फिर से क्या बोल रहा हो? आंख में आंसू आए, कौन सा सूत्र? इरिया भैया सूत्र बोलते बोलते परमात्मा ये कहते भगवान महावीर के शिष्य अयमुता मुनि को केवल ज्ञान हो गया। ये भाव कब आएगा? जब उसको समझेंगे, पहचानेंगे क्या परमात्मा की वाणी। हम छोटे छोटे जीव जंतु को इतनी चिंता करते हैं। जैन धर्म अन्य जीव के अंदर अपने जैसा ही जीव है, उनके अंदर भी अपना भी और सिद्ध भगवान की आत्मा में कोई फर्क नहीं है। एक इंद्र जीव में पत्ते में जो रहा हुआ जीव, पौधे में रहे हुए जीव, पेड़ में रहा हुआ जीव, वो जीव और मेरे जीव में कोई फर्क नहीं है, वो भी सिद्ध भगवंत का जीव और मैं भी, तो फर्क क्या? तो कि उनके जो गुण है वो आवृत हो गए, हमारे जो गुण है वो ढके हुए हैं। ऊपर कर्म का लेप लगा हुआ है, जिस दिन कर्म हट जाएगा मैं भी सिद्ध भगवान जैसा बन जाऊंगा। हो सकता है हम यहां बैठे हुए प्रतिक्रमण कर रहे, हो सकता है सामने वाला पेड़ वाला जीव दूसरे भाव में अच्छे क्षेत्र में जाकर आराधना करे, जिस तरह से मरुदेवा माता, मरुदेवा माता का मोक्ष हुआ याद है आपको? ये कहानी, ये कथा पता नहीं आपको? ये चिंतन करने का जो सुबह मौका मिले तो कल इतना तो कली हो सके तो आप परमात्मा की पूजा करिए। अगर आप पूजा परंपरा से मान्य नहीं है तो आप आकर ध्यान धरिए परमात्मा का, ये तो हो सकता है। पूजा करने के वाले हो तो पूजा करिए, पूजा नहीं करने वाले तो क्या कर सकते आप? ध्यान क्या कर सकते? परमात्मा में आप परमात्मा के सामने बैठ जाइए, परमात्मा से एकाकार होने की कोशिश करिए।
डूब जाइए। प्रभु तू तारा जेवो ज हूं, मारा मन तारा में कोई फरक नथी। तो प्रभु क्या विवाद पड़ो और एना माने स्तवन पण छे, एना माटे आपु स्तवन छे, अत्यारे स्तवन करियो नहीं उपाड़ो। पर केवानो मूळ भाव परमात्मा ने एनी साथे अभेद अवस्था की कोशिश करवानी छे। अरे काले परमात्मा ने जारे पूजा करते हैं ने, भले एक भगवान की पूजा थाय, परंतु दिल थी परमात्मा ने कही दीधो तारो केटलो बधो उपकार छे, मारी पासे कोई साधन तो एटले तारी मूर्ति बेसाय ने हूं तारी पूजा करी लेउं। व्यक्ति ने याद आए तो फोटा जोईए ने आपणे, शुं करीए फोटा ने जोई एम परमात्मा तू बहु ऊंचतो रह्यो, હું અહીંયા રહી ગયો, મારી પાસે કોઈ સાધન ન મળ્યું, મેં તારી મૂર્તિ બનાવી, તને પરમાત્મા માનને પૂજ્યો કે તું મારો પરમાત્મા છે, હું તારી સાથે વાત કરી શકું છું। તમે ક્યારેક પરમાત્મા સાથે વાત કરી છે? સાચું બોલો, ફરીથી બોલજો, પરમાત્મા સાથે આ સુધીમાં ક્યારે વાત થઈ છે? પરમાત્મા સાથે વાત થાય, પરમાત્મા તમારી વાત સાંભળે અને પરમાત્મા તમને જવાબ આપે, થાય છે। તમે કોનું નામ લ્યો છો આરતીમાં? એ તો ભાઈ મેરા પછી બીજું એક નામ આવે છે, મૂળચંદ દે રૂસક ગુણ ગાયા। આ મૂળચંદ કયું ગામ હતું તમને ખબર છે? તમને આ કેસરિયાજી જાઓ છો? કેસરિયાજી રાજસ્થાન ની અંદર એક તીર્થ છે, એ ઉદયપુર ની આજુ ઉદયપુર માં આવેલું છે, ઉદયપુર ની બાજુમાં હે, એનું નામ જ છે કેસરિયા। પેલા લોકો જય જીનેન્દ્ર હતા બોલતા, રાજસ્થાનમાં એકબીજાને ફોન કરતા તેમ બોલતા જય કેસરિયા, શું બોલતા? એટલો બધો એ પરમાત્માનો મહિમા હતો। અંદરો અંદર કઈ ઝઘડાના કારણે આખું છત્ર ચાલ્યું ગયું, એ જ આજુબાજુની 36 કોમ આદિવાસી કોમ એની પૂજા કરે છે, કેસર ચડાવે, કેસર એટલે નામ પડી ગયું કેસરિયા। એ જમાનામાં મૂળચંદ ભોજક ત્યાં કરે ભક્તિ કરતા હતા, અને મૂળચંદ ભોજકે આપણી જિંદગી કી પૂરી જીવન તક વહી નિકાલ દી, ઉમ્ર હોને લગી, બચ્ચોને કહે દિયા કે બાબા આપ તો આપ નહીં રહે સકતે, આઈએ ઘર પે, આને કા જબ મુકાબલા ઉસકી આંખ મેં સે આંસુ નીકળે, આંખ મેં સે આંસુ। जिस आदमी ने पूरी जिंदगी जिस भगवान के साथ गुजार दी हो, आप कल्पना करिए उसकी आंख में से कैसे आंसू निकले होंगे। वो व्यक्ति अपने गांव मेसाणा के पास वड़नगर वहां पहुंचा, कहां पे? वड़नगर आज पड़े गांव छे, अरे क्या करें, भोजक समाज नु मंदिर छे, जैन मंदिर भोजक समाज, અને યહાં સે વો જબ પહોંચા તો ઉન્હોને આંખ મેં પરમાત્મા વહાં કે પરમાત્મા દેખકર આંખ મેં સે આંસુ નિકાલે, પ્રભુ ખાના અચ્છા નહીં લગ રહા, કલ્પના તો કરિયા, આંખ મેં સે ચુધારા આંસુ કરકે રો રહા હૈ, અને વો કહેતા હૈ પ્રભુ તુમકો છોડકર ઇતના દર્દ હો રહા હૈ, મેં કબ મિલુંગા, પ્રભુ તુમકો મુજે મેરે પ્રતિ પ્યાર નહીં હૈ, અગર જો પ્યાર હૈ તો મુજે યહાં પે દર્શન દે। भगवान केसरिया जी राजस्थान में अपना गांव कहां पे? आपको पूछे मैं ही और आप ऐसी बातें भगवान के साथ कर सकते हैं, उसका मतलब ये हुआ अभी तक परमात्मा को पहचाना ही नहीं, न तो उसे प्यार किया। आदमी प्यार ही नहीं कर सकता भगवान के साथ, वो क्या समझेगा, उसको क्या पता क्या स्वाद आता है। और उन्होंने जब कहा तो दुनिया में देवता ऐसे दौड़ के आ जाते, उस समय आ जाते उसकी बात सुनने के बाद, यानी परिणाम ये हुआ उनको वहां दर्शन हुआ, कहां पे? बड़नगर, जिसकी बात मैंने की मूलचंद भोजक इनका यह दृष्टांत, सेवक था, पुजारी था, वहां कुमारपाड़ा महाराजा का वो समझ में आता है कि वो हेमचंद्राचार्य जी का शिष्य था, लेकिन मूलचंद भोजक कल हो सके तो परमात्मा की पूजा करिए, कल तो करना चाहिए, नहीं हो सके परंपरा नहीं है कोई बात नहीं, कम से कम 15-20 मिनट ध्यान किए बिना व्याख्यान में नहीं आ रहा। आज मैं इसलिए कह रहा हूं कल उगने से पहले दिमाग में फिट हो जाए,
दूसरा अपने हो सके तो कम पानी में स्नान करना। कल उसको साधु औसत लेना चाहिए। समझी के दिन हम साधु बने, साधु नहीं बन सके कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। जितने पापों से जो जो चीज अच्छी लगती थी उसको कंट्रोल कर लो। सावर से खेलते तो एक बाल्टी से स्टार्ट करने की कोशिश तो करके देखो। कर श्रावक को इसलिए स्नान करने के लिए कहा कि जिसके कारण वो पूजा कर सके, इसलिए स्नान रखा हुआ है। अब आप कल्पना करिए, जहां जहां आपको लगे द्रव्य कम कर दीजिए। क्या करना है? ये हो सकता है नहीं हो सकता? खाने में हो सके उतना पाओ। एक भी ऐसा वाक्य नहीं बोले कि जिसके कारण किसी का दिल डूबे और पापकारी, पापकारी मतलब कोई पाप लगे ऐसा कोई कार्य ना करे। लास्ट में जब प्रतिक्रमण आते 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 हम तो कल किसी को सूचना देनी पड़े कि आप यार आवाज बंद करो। मैं कल भी कहा था हमको सूचना नहीं देनी पड़ती। हम कौन बोलो सही? हम कौन? आगे जय समझदार कौम ले जैन, शिस्तबद्ध कौम जैन, दान दीवावाड़ी तो कौम कौन जैन। दुनिया में आगे आगे सब जैन जैन लिखते जाओ। अरे हमारा व्यवहार जो ऐसा नहीं हो, अरे समझरी का दी मैं नहीं मानता हूं। कोई आपको कोई समझाने वाला गाइडलाइंस देने वाला मिले तो उसमें परिवर्तन हो सकता है। अरे प्रतिक्रमण के बाद यहां से जब निकले तो हमारी आंख में आंसू हो, कल से क्या प्रभु 8 दिन का कार्यक्रम था, 15 दिन का कार्यक्रम होता नहीं, 15 दिन का परिश्रम होता तो कितना आनंद आ जाता। कल से मोहनी कर्म मुझे परेशान करेगा, मैं डूब जाऊंगा संसार में। प्रभु मुझे व्याख्यान का श्रवण नहीं मिलेगा, इतने साधर्मी बंधुओं का दर्शन नहीं होगा, मुझे अभी अभी जो रोज जो आदतें थी सुनने में आनंद आता था, मुझे आत्मा को जगाने का मौका मिलता था, अब मैं सो जाऊंगा। कल से रोहित परंपरा हमारी चालू हो जाएगी। सिर्फ अर्थ की चिंता, इनकी चिंता आत्मा की चिंता गुम हो जाएगी। फिर मेरे टाइम पसार करने के लिए मोहनी कर्म तो ऐसे परेशान करता है। आपको 4 दिन की छुट्टी मिल जाए आप क्या करोगे? तो क्या पे 4 दिन की छुट्टी मिले क्या करोगे? कहीं घूमने लिए चल जाओगे? अरे अभी अभी आपने जो 7 दिनों में समझाए, कहां पे भी जाओ आप प्रशंसा नहीं करोगे जिसके कारण आपको कर्म बंद हो जाए। कृष्ण महाराजा की एक पत्नी थी, मैं आपको एक दृष्टांत छोड़ के छोड़ दूंगा क्योंकि थोड़ी क्लिप भी बतानी है आपको। ये दृष्टांत जिंदगी भर याद रहेगा। मैं इतनी गहराई में भी समझ जाता हूं आपको समझ में आए और कुछ उसका कुछ अमल भी हो। कल कल की तारीख में कुछ अमल होना चाहिए, कल दान देना चाहिए। नव वखान पूजी सुनो रे श्री संत गुरु ने पास रे बलि के जन ये मैंने दान समंचरी दीजिए रेला इन सब ऊपर वालों कोई रे बलि के जन सु बोलो आमद मारी हम जो तमें मारी सामने जो तो मैं जिंदा आप ही सके तमें आंख फेर ही लो पूरो दे दान समंचरी दीजिए रेला। कल बहुत कुछ कर सकते हम, आने के बाद कल्प सूत्र के बिना पूजे या बैठना नहीं है, या तो बाद में या पहले एक भंडार में यथाशक्ति कुछ ना कुछ रहना चाहिए। कल कहीं अपने को लगे कि अपना कोई साधर्मिक बंधु इस क्षेत्र में कहीं दुखी है, उसको हेल्प करने के लिए उसको पता नहीं चले, अरे उसको लेने में शर्म नहीं आ जाए, इस तरह से उनको हेल्प करनी चाहिए। होता ही ना जगह नया नया बंदा व्यक्ति आता है क्या होता है, सरू सरू में चढ़ने में दिक्कत तो आती है, उसको स्टेज होने में आपको भी 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल के बाद आदमी एक लेवल पे पहुंचता है। उसको कान में जाकर पूछिए कितना समय हुआ, 6 महीना, कोई समस्या मिला? मैं बैठा हुआ हूँ, चिंता मत करना, मैं अभी आपके लिए क्या कर सकता हूँ। एक कंधे पे हाथ रख के देखिए, उसको लगेगा क्या भगवान महावीर का शासन है, मुझे मेरी चिंता माँ बाप वहां तो करते थे, या तो इतना बड़ा संघ माँ बाप के रूप में बैठा हुआ मुझे कोई चिंता नहीं है। ये कर सकते नहीं कर सकते बहुत बड़ी बात है। जिंदगी में वो याद रहेगा, आपका चेहरा उसको याद आ जाएगा, क्या यार बंदा मिला था मुझे, मैंने मांगा नहीं फिर भी उसने ऐसी सहायता कर दी, मेरा एक टेंशन था तनाव था मैंने उनके सामने पेश किया, उसने मेरा काम कर
जिंदगी भर आपको नहीं भूलेगा। छोटी छोटी बात को व्यवस्था करने के लिए चाहिए। कल हो सके तो घर के अंदर जो आप रोज तो आप लेकर बैठते हो किसी को खिलाने के बाद मीठे घर में होते रहे दो हो तो अगर आपको लगता है कि धर्म पत्नी को कुछ से कुछ पुरस्कारी करे रोज वो पुरस्कारी करती है आज मैं उनको पुरस्कारी करके फिर मैं खाऊं संभव है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म सहायता करने वाली पत्नी है कि जिनके कारण भी आज अगर वो टिका हुआ हूं अगर मेरे धर्म के अंदर संस्कार है उसका बहुत बड़ा बलिदान है। अगर मैं धर्म की आराधना कर रहा हूं तो उन्होंने अपना बहुत कीमती समय निकाला हुआ है तब मैं धर्म आराधना कर सका हूं आज मैं उनकी सेवा करूं बनाया हुआ उनका लेकिन प्रेम तो खिला सकते उनको समझ नहीं याद आ जाएगी क्या बात है इतना गर्म स्वभाव वाले इतनी ठंडी बात कर रहा है। उससे पहले माहौल तो बनाना पड़ेगा ना शाम को मिच्छा भी दुक्रम देना है प्रतिक्रमण से पहले मिच्छा भी दुक्रम दो इसके बाद प्रतिक्रमण करिए बाद में तो सब व्यवहार है याद रखिए आप सब व्यवहार एक प्रकार की व्यवस्था खड़ी की बहुत बढ़िया अपने कोई परेशान नहीं लेकिन प्रतिक्रमण से पहले उसको मिच्छा भी दुक्रम देना चाहिए कि मैंने तो 6 महीने पहले ऐसा व्यवहार किया था तुमको गुस्सा बहुत आया था 2 दिन हम बोले नहीं थे फिर भी मान गए मैं चुका नहीं फिर भी आप तो चुक गई अरे तूने मेरे सामने ऐसा किया लेकिन मैंने गलत व्यवहार किया था आज मैं मिच्छा भी दुक्रम मांगता हूँ हो सकता है नहीं हो सकता है इतनी सुंदर आराधना अरे अगर भीतर में जो ये प्रकटे नहीं 4 प्रकार के कसाय बताए अलंकारोबंदी अप्रत्याकारी अगर अलंकारोबंदी कहते 1 साल से ऊपर 1 दिन भी चला गया वो इस भव नहीं कई भवों तक वो चलता है कसाय उनका नाम है अलंकारोबंदी अरे आज उसके पास माफी मांग लो हिसाब क्लियर सॉरी सॉरी करके मत करना थोड़ी आंख भी थोड़ी नरम करना थोड़ी आंख में पानी आ जाए ऐसा करना कोशिश तो करना नहीं आ रहा तो थोड़ा सा डाल देना हाजी लगा देना हाँ तो 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 अनाधिकार से वही तो काम कर रहे हैं ना आज तक सही आंसू कहाँ आए इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आंसू आए नहीं लेकिन आंसू आने से कई लोगों को केवल ज्ञान हो गया थोड़े से आंसू आ जाए हमारे मिच्छा भी दुक्रम सफल हो जाएगा हमारा प्रतिक्रम सफल हो जाएगा। यहाँ तो काम करने वाले कोई नहीं है बाकी उनके साथ व्यवहार किया हो स्टाफ के साथ व्यवहार किया हो आपका कोई अजैन दोस्तार हो उनको भी आपको मिच्छा भी दुक्रम देना चाहिए। वो पूछेगा क्या कारण है आपको क्या कहा मुझे आप सॉरी मत कहना मिच्छा भी दुक्रम बोल रहा वो पूछेगा आपको। एक नरेंद्र मोदी वहां से लिखकर भेजता है प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी मिच्छा में दुक्रम जैन बंधु हो कितनी गौरव होता है आप अपने फ्रेंड को अमेरिकन भाई हो तो क्या हुआ उनको इतना तो पता चलेगा आपकी समझ रही है आप इसलिए मानते हैं कि मैंने आपके आपके ऑफिस में रहकर कहीं मेरा व्यवहार आपसे गलत हुआ है मैंने उस समय आपके साथ ऐसा व्यवहार किया था तो हमारे नियम है हम भगवान के बोर्ड के सामने जब प्रायश्चित करते उसमें पहले क्षमा याचना करते मैं आज आपके सामने क्षमा याचना करता हूँ वो भी विचार करेगा वो आपका व्यवहार देखकर वो आपको पढ़ने की कोशिश करेगा जैन धर्म को जानने की कोशिश करेगा अरे आप कल्पना कर पाओगे वो हो सकता है कि उनके जीवन में पूरा परिवर्तन आ जाए हो सकता है करोगे चलिए इतना कार्यक्रम अभी पूरा करेंगे 9:10 हुई है आज वो भी राह देख रहे थोड़ा सा छात्रों की नाकोड़ा ज्ञानशाला के छात्र जो परमात्मा की पूजा करने के लिए जाते कैसे होता है वो दिखा रहे हैं कौन सा हाँ ये बात सही आपने ध्यान से प्रवचन सुनते हो इनको कहते देखो उन्होंने कहा अब मैं ये पूरा करना पड़ेगा मुझे कृष्ण महाराजा की पत्नी थी रुक्मिणी पूर्व भाव की बात है इस भाव की बात है पूर्व भाव में जंगल में जाती है अरे जंगल में जाने के बाद अभी ऐसा है कि ये लोगों का ध्यान इधर उधर हो रहा है मेरा ऊपर से चला रहा है तो सिर्फ आपको देखकर बात करता है मेरी आंखें इतनी खतरनाक खबर पड़ती है कि लास्ट वाला बंदा क्या देख रहा है तो ये भी सबसे बड़ी समस्या आती है इतना कहूंगा पूछूंगा बाजू चलो ओके 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 तो रुक्मिणी पूर्व भाव में पूर्व भाव की बात है पूर्व भाव में जंगल में जाती है मोरली के बच्चे इंडे मोरली ना इंडा हो छे अरे इंडा ने
पकड़ी ले छे अने एना हाथ नी अंदर कंकु होय छे ई कंकु पेला पिंडा ने लागी जाय छे आत्मा पकड़ी राख्यो आत्मा तू कंकु ए क्या मियु पिंडा 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 ऊपर परिणाम क्या हुआ कलर चेंज हो गया कलर चेंज हुआ गोली आई उन्होंने देखा अंडे है नहीं ना आपको पता है कभी भी आप पक्षी को प्राणी को आप देखे उसका बच्चा नहीं देखो कितनी तड़पती है अपने को जितना आप इसलिए तो मैं कहता हूँ उनके अंदर वही जीवे उसके अंदर वही मान है उनके अंदर वही कसाय है उसके अंदर दूसरा कोई आ जाता तो उसको पसंद नहीं आता वही संस्कार लेकर हम यहाँ आए घर में दो व्यक्तियों ने पांच गड़ा मंगला हो लेकिन तीसरा कोई आया तो पसंद नहीं आता क्या कारण कहीं ना कहीं वो संस्कार आता है वो होता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं ये हुआ ही अजी नहीं होना चाहिए हाँ ये नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी तक समझ में नहीं आया भगवान का शासन इसलिए समझ में आ जाएगा अरे मोली के अंडे निकलते गए प्रहर बीतते गए समय निकलता गया आकाश में से बरसात हुई कंकु का रंग निकल गया मोली को शांति हुई अंडे वही पड़े हुए दूसरा बहु देखिए उनका रुक्मिणी का स्वयं का बच्चा रुक्मिणी दूसरे बहु में कृष्ण महाराज की पत्नी उनका स्वयं का पुत्र रुक्मिणी का जन्म के बाद गुम हो जाता है कोई भी पाप सुनिए आप ध्यान से शब्द कोई भी पाप 10 गुना होकर फल देता है किसी का 5 रुपया लोगे ना तो आपको कितना देना पड़ेगा 10 गुना समझ लो ये कौन लिखता है पता आपको साध्य विधि नाम का ग्रंथ कितना ग्रंथ साध्य विधि नाम के ग्रंथ में लिखा है कोई भी पाप 10 गुना होकर कम से कम उसका परिणाम आप देख लो डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं फिर से कह रहा हूं मुझे क्या फायदा डराकर ये इसमें लिखा हुआ इसलिए मैं बोल रहा हूं तो ये रुक्मिणी वाली बात कहानी सुनकर कभी भी कोई कर्म बंद हो जाए कोई ऐसा पापकारी वाक्य भी मुंह में से नहीं निकले हो सके तो अनुमोद ना करे हो सके तो इनमें कितने तपस्वी है उनको एक एक जाकर सुख साथ ना पूछे हो सके तो जिन्होंने दान दिया है 8 दिनों में उसकी अनुमोदना करें क्या आपको संपत्ति मिली है क्या आपको लक्ष्मी मिली आपके घर में ऐसी लक्ष्मी आई कि आपने सदवेय किया परमात्मा के 7 क्षेत्र के लिए आपने यूज कर दिया मैं आपकी अनुमोदना करता हूँ आप में जो शक्ति मिली वो मुझे शक्ति मिले तपस्या की इसलिए जाते कि आपने तपस्या की आपके चेहरे की प्रसन्नता वो चेहरे मेरे पे आ जाए कल करोगे कल मुझे थोड़ा दिखाना कि मैंने किया हो अरे हो सके तो रात्रि का समय है कल कुछ लंबा चौड़ा पन्नों के ऊपर लिखना पेने समझ भाई ये भाइयों के लिए भी छूटे इंग्लिश में लिखोगे तो चलेगा तो एक बार आधा घंटे के लिए बैठो सही और एक बार कलम टाइप करके दोगे तो चलेगा आपका ऊपर एड्रेस होगा तो और बढ़िया देखिए क्या होता है परिवर्तन आपको एक साल तक याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिस समय लिखोगे जिस समय भाव में हो असंख्याति अनंती कर्म की निगरा होती जाएगी हो सकता है अगले साल तक आपको याद रह जाए आशा करता हूं इसके माध्यम से कल की साधना के लिए हम तैयार हो जाए कल मोहनीय कर्म के साथ लड़ना है मैं और आप दोनों सफल हो जाए ये परम कृपालु परमात्मा के पास प्रार्थना सावधानी।